आजकल छोटे हों या बड़े, सभी को रेस्टोरेंट का तीखा और चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। घर का खाना तो किसी को पसंद ही नहीं आता। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या मिलाते हैं जो उनका खाना इतना टेस्टी होता है? तो आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट का वही सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर वाले आपके खाने को पसंद करें तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर 250 ग्राम तीखी वाली मिर्च, इनको जवा मिर्चें भी कहते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, इनके पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। और अब हम हरी मिर्च को बीच में से कट करेंगे। इनको एक बार और बीच में से कट करूँगी मैं, यानी कि मैंने एक हरी मिर्च में से 4 पीस किए हैं। और अगर आप चाहें तो इनके और भी पतले पतले पीस कर सकती हैं, क्योंकि हरी मिर्च में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। हमें हरी मिर्च को सुखाना है। अगर हम इसको मोटा मोटा कट कर देंगे तो ये जल्दी से और अच्छी तरीके से नहीं सूख पाएंगी। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च के काफ़ी सारे पतले पतले से पीस कट कर लिए हैं। अब मैं इनको सुखा दूँगी। तो इनको सूखने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं अगर आप इसको अच्छे से सुखाएं। हमें इसको इतना सुखाना है कि ये एकदम क्रिस्पी से हो जाएं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनको कितने क्रिस्पी कर लिए हैं। ये देखिए, ये ऐसे ही टूट रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इनको कट करें तो बहुत ही सावधानी के साथ कट करें, क्योंकि अगर हाथ में ये लग गई तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से कट करें। अब हम करेंगे क्या कि हम सारी हरी मिर्चों को एक जार में ले लेंगे और इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना और हमारा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रेस्टोरेंट वाले ऐड करते हैं वो तैयार हो चुका है। आप इस पाउडर को बना कर रखें और अपने खाने में मिलाएं, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।